नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अभी हमने हाल में आपको खबर दिखाई थी, भारत हैप्पी इंडेक्स में पिछड़ रहा है। भारत हैप्पी इंडेक्स में एशिया में जो उसके पड़ोसी देश है उनसे पिछड़ रहा है, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब एक ऐसा आंकड़ा आपके सामने रखेंगे जिस आंकड़े को देख करके आप अंदर से हिल जाएंगे कि वाकई डबल इंजन की भाजपा की सरकार में ये देश का विकास हो रहा है या फिर देश के साथ में क्या हो रहा है। ये खबर हम आपके सामने रखेंगे और बाकायदा आंकड़े के साथ में खबर रखेंगे और एक एक करके जो है वो पर्त दर पर्त मोदी सरकार की पूरी सच्चाई वो सामने आ जाएगी। कैसे बेरोजगारी की वजह से और कैसे महंगाई की वजह से और कैसे दूसरे कारणों की वजह से भारत लगातार आत्महत्या के मामले में आगे बढ़ रहा है। भारत के अंदर आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप देखिए, विजय शंकर सिंह है, आईपीएस रिटायर्ड है, इन्होंने कुछ एक आंकड़े दिए हैं, वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं और उसके बाद में इन्हीं से जुड़ी हुई खबर जो है वो आपको बताएंगे कि आप देखिए, कोरोना की तीसरी लहर से उपजे संकट में 1,53,000 लोगों ने भारत में की आत्महत्या। भारत में आत्महत्या की दर 12.7% है। ये जो 12.7% है, इस आंकड़े को आप पकड़ करके रखिए। आपको बताएंगे जो पड़ोसी देश हैं उनका क्या हाल है। भारत में 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली है। बड़ा आंकड़ा है, झकझोर देने वाला आंकड़ा है, हिला देने वाला आंकड़ा है कि कैसे 1.5 लाख लोग, 1.5 लाख लोग जो है वो एक साल के अंदर आत्महत्या कर ले रहे हैं। अगर आपको ये आंकड़ा हिलाता नहीं है तो फिर आप क्या कहें। ये आप देखिए, 12.7% जो है भारत में आत्महत्या की दर है और इस दर को 12.7 को जो है वो पकड़ करके रखिए आप। पाकिस्तान की जो दर है वो 8.9 है, अफगानिस्तान की जो दर है वो 4.1 है, हमारी 12.7, उसको याद रखिए आप। तुर्कमेनिस्तान में 5.7 है, ईरान में 5.2 है, इराक में 3.6 है, सऊदी अरबिया में 6 है, यमन में 5.8 है, ओमान में 4.9 है, मिस्र में 3 है और तुर्की में 2.4 है। हमारी कितनी है? 12.7, याद रखिए आप। उसके बाद में सूडान के अंदर 3.8 है, इथोपिया में 5.4 है, सोमालिया, बहुत गरीब देश है सोमालिया, और सोमालिया के अंदर कहा जाता है कि समुद्री लुटेरे जो है वो बसते हैं, लेकिन वहां पर भी 7.9 है। एक ऐसा देश है सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ देश है और वहां पर जो है वो समुद्री लुटेरे ज्यादातर पाए जाते हैं, भुखमरी बहुत ज्यादा है, गरीबी है, लेकिन वहां पर भी आत्महत्या की जो दर है वो 7.9 है। भारत और अन्य देशों में कहीं जो भारत से जो है और दूसरे देशों से कहीं ज्यादा कम है, ये बात यहां पर इन्होंने लिखी है। दुनिया के सबसे कमतर आत्महत्या दर वाले शीर्ष 10 देशों में 2 इस्लामिक देश हैं। जो सबसे कम आत्महत्या जहां पर हुई है दुनिया के अंदर, उसमें टॉप 10 अगर कंट्री की अगर बात की जाए तो उसमें से 2 इस्लामिक कंट्री हैं। एक जॉर्डन है, 6.1% वहां पर आत्महत्या हुई है, हमारे यहां पर 12.7। और उसके बाद में दूसरा सीरिया है, कहा जाता है भारत को सीरिया नहीं बनाना है, बिल्कुल जो है वो कई मायने में अगर देखें तो सीरिया वाकई जो है वो अपने आप में वहां के आंकड़े डराते हैं, लेकिन यहां पर आत्महत्या के मामले में सीरिया 2.0 पर है। ये आंकड़े 2022 के हैं, ये आंकड़े जो है वो 2022 के, और 2022 के आंकड़े जो है वो अपने आप में क्या कहते हैं आपके सामने है। अब देखिए, 2022 के मतलब 2021 के आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। अब कई बड़े विकसित देश, अब जो है ये आंकड़े दूसरी तरफ से भी हिलाते हैं, कई बड़े विकसित देश आत्महत्या की दर में भारत से आगे हैं। रूस में 25.1 है, हमारी 12.7, हमसे ज्यादा, हमसे दुगने कर रहे हैं वो रूस के अंदर कर रहे हैं। कनाडा के अंदर 11.8 है, अमेरिका के अंदर 6.1 है, हमसे 4 जो है वो पॉइंट और आगे है। चीन के अंदर हमसे कम है, चीन हमसे जो है 4 कम है और चीन में 8.1 है जो सबसे कम है। तो ये जो आंकड़े हैं ये अपने आप में डराते हैं, लेकिन हम भारत के बात करेंगे। ये दुनिया भर के अलग अलग देशों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं, अब भारत की बात करेंगे और भारत में किस तरह से ये आंकड़े जो है वो डरा रहे हैं। ये आप देखिए, 10 फरवरी 2022 की खबर है, ललन टॉप की खबर है, पुरानी खबर नहीं है। और इसमें क्या है, 2014 से, ध्यान से आप सुनिए एक शब्द को, 2014 से बेरोजगारी में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़े,
2020 के आंकड़े डराने वाले हैं। 2020 में जो आंकड़े सामने आए हैं वो डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अब देखिए किस तरह से जो है वो सब कुछ हो रहा है, और यहां पर बात की जाती है देश को विश्व गुरु बनाने की, मोदी जी डंका बजा रहे हैं, गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है, किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन इस बीच में बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग वजहों से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और हमारे देश के अंदर 1.5 लाख लोग एक साल के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं। अगर ये आपको आंकड़ा जो है वो हिलाता नहीं है तो फिर हम क्या कहें, हमारे पास में शब्द नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा वाकई अपने आप में खतरनाक है। लेकिन जो ये ललन टॉप की खबर है, इस खबर की हेडलाइन को मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप देखिए, 2014 से बेरोजगारी में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब 2014 से कौन है देश में, 2014 से दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा हुआ है, इसमें तो कोई इत्तफाक नहीं है, इसमें तो कोई जो है वो दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी हुई है। और नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी खुद 2014 से जब से वो बैठे हैं तब से देश के अंदर लगातार बेरोजगारी के आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और 2020 के अंदर जो हुआ है वो डराने वाला है, झकझोर देने वाला है। अब देखिए खबर, आप देखिए आंकड़े, आप देखिए कुल संख्या की बात करें तो 2020 के अंदर जो अभी हमने आपको आंकड़े दिए हैं, 2020 के अंदर 1.53 यानी 1.5 लाख, 1,53,000 लाख लोगों ने जो है वो आत्महत्या की है। 1967 के बाद में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है। 1967 के बाद से, 1967 की अगर बात करें तो 1967 से जो है वो ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है, करीब 53 साल का रिकॉर्ड टूट गया साहब। और आप बात कर रहे हैं कि हमने देश को ये कर दिया, वो कर दिया, देश को गड्ढे में डाला हुआ था, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया वो किया, आपने 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कर दी, 53 साल में आपके यहां पर हमारे भारत में आत्महत्या के मामले 1,53,000 पहुंच जाते हैं। तो ये सारे आंकड़े क्या आपको डराते नहीं है? और ये अचानक से नहीं हुआ है, ये 2014 से लगातार हो रहा है। ये आंकड़े जो है वो अपने आप में वो बहुत खतरनाक है। अब देखिए 1967 के बाद में सबसे ज्यादा है, 2019 के मुकाबले में ये संख्या 10% ज्यादा है, 10% जो है ये संख्या जो है वो ज्यादा है। तब 1.39 यानी 1,39,000, करीब 1,40,000 लोगों ने जो है वो आत्महत्या करी थी 2019 के अंदर, और 2020 में आंकड़ा 10% और बढ़ गया, 1.5 लाख पहुंच गया। लगातार जो है वो भारत ऐसी ऐसी चीजों में विकास कर रहा है, ऐसी ऐसी चीजों में आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं जो आंकड़े हमें डराते हैं, जो आंकड़े हमें विचलित करते हैं। ये खबर आपको हिलाती है, ये खबर आपको झकझोरती है, तो समझिए कि आप देश के प्रति चिंतित हैं। अगर यह खबर आपको झकझोरती नहीं है तो समझिए कि फिर आप देश को लेकर के चिंतित नहीं है, आप ना जाने कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हमें इस खबर से जो है वो अंदर से हिल रहे हैं, ये खबर जब पढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा जब हमारे सामने आता है तो वाकई हम अपने आप को जो है सवाल पूछते हैं कि देश में क्या हो रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।